नमस्कार, मैं महागुरु गौरव मित्तल। मई का महीना भरी धूप भरी गर्मी समाप्त होने को है। इस लास्ट सप्ताह में मई में दो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ब्रह्मावस वट सावित्री व्रत और शनि अमावस दोनों रहे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीक था जिसके अंदर ये दो व्रत करने से इनफैक्ट माना जाता है कि जैसे सावित्री ने अपने पति के प्राणों को रमयाज से रक्षा की थी, इसी तरीके से फीमेल्स के लिए अपने पति को सक्सेस के लिए उनके प्राणों की रक्षा के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट व्रत माने जाते हैं। और शनि जिनकी नेगेटिव से शनि की महादशा चलती है या शनि की साढ़े साते चल रही है, उन लोगों के लिए तो ये काफ़ी एक अच्छा सप्ताह था जिसमें वो शनि के अपने नेगेटिव इम्पैक्ट को दूर कर सकते थे। तो ओवरऑल अच्छा सप्ताह रहा। आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, थोड़ा सा जून और थोड़ा सा मई के महीने में जो ओवरलैप है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के स्वामी हैं शनि, शुभ रत्न है नीलम, शुभ दाक्ष है सातमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है पश्चिम की दिशा। इस सप्ताह किस्मत आपके साथ है, आप का लक आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। कार्य क्षेत्र में लाभ होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आमदनी में वृद्धि हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अच्छा है। कम मेहनत से भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। उस शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा समय है। रिश्तों के लिहाज से समय थोड़ा कठिन हो सकता है, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत प्लस माइनस उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, आपको बेकार की बातों और झगड़ों से बचना है। घरेलू जीवन में बाकी सामंजस्य की स्थिति बनी रहेगी। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य में इस सप्ताह आप थोड़ी गिरावट महसूस कर सकते हैं। तो सप्ताह एक नॉर्मल या बिलो नॉर्मल सप्ताह है। इस सप्ताह को और कैसे अच्छा बना सकते हैं, आइए जानते हैं इस बारे में। आपको फोकस करना है कि आपको आयुर्वेदिक चीज़ों पे ज़्यादा चीज़ों पे खाने से रिलेटेड, टूथपेस्ट से रिलेटेड, नीम का दातून, ये सब चीज़ें आपके लिए इस सप्ताह में लाभकारी होंगी। बंदरों को इस सप्ताह में फीड करना आपके लिए काफ़ी लाभदारी होगा। आप यदि शनि में शनि मंदिर जाके आप छायादान करते हैं तो ये भी आपके लिए एक काफ़ी अच्छा लाभकारी सिद्ध होगा। आप इंश्योर करें कि आप अपने पुराने जूतों का दान, उनको तलवों को पूछ के यदि आप दान देते हैं, और काले कपड़ों का दान या पहने हुए कपड़ों को धो के अगर आप गरीबों को दान करते हैं तो ये भी इस सप्ताह आपके सप्ताह को अच्छा बनाने के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। आपको ध्यान करना है कि क्योंकि शनि जो है न्यायदाता है, तो आपको किसी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचना है, आपको किसी के लिए नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी है। आपको इंश्योर करना है कि इस सप्ताह आप शाकाहारी बने रहें, कोई भी अल्कोहल आप छोड़ दें। आपको अपने बैग के अंदर चांदी की छोटी छोटी बॉलें रख के चलना और किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाने से पहले, ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपको गहरे कलर के कपड़ों को पहनना इस सप्ताह सजेस्टेड है। आप यदि अंधे लोगों की भी सहायता करते हैं तो ये भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मैं महागुरु गौरव आपको आने वाला सप्ताह आप सभी जातकों के लिए, सभी राशियों के लिए शुभ रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।